समाचार में आपका स्वागत है। चुनावी पंचायत की सफर में जो 2021 में बिहार पंचायत चुनाव का इलेक्शन होने वाला है, इस पे हमने कई सर्वे किए। आज हम इसी सर्वे के दौर में दरभंगा शहर के सटे हुए पंचायत सहबाजपुर पंचायत में है। हमने यहाँ 2 दिन सर्वे किया है। इस 2 दिन के सर्वे में हमने 9, 10, 11, 12, 13, 14 वार्डों में हमने अपना छोटा सा सफर भी किया और सर्वे किया। जाना एक ये ऐसी पंचायत है कि मुखिया तक का नाम नहीं पता यहाँ के लोगों का, जो हम अपने इस वीडियो में भी आपको दिखाएंगे आगे में। दूसरी बात है कि अभी जहाँ मैं पहुँचा हूँ, ये सिसो गुमती के नजदीक का हिस्सा है। यहाँ हम कुछ अपने बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे, जो इस पंचायत के हैं, कि मुखिया जी ने अपने 5 साल के शासन काल में किस तरह का विकास किया है। जी बाबा, आपका पहले नाम बताइए। मोहम्मद अनवर। आपके मुखिया जी का नाम क्या है? अच्छा, आप भी नाम पूछ रहे हैं पड़ोसियों से, यानी आपको भी नहीं पता। कितने दिन हो गए अपने पंचायत के मुखिया को देखे हुए? हम लोग मुखिया से कुछ कर लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सिंपल, आपका एज कितना है? पेंशन मिल रहा? क्या मुखिया जी ने इस पेंशन योजना में कोई मदद की थी आपको? जी हाँ, कोई मदद। किसने किया था? हम लोग अपने किया, अपने किया था दौड़ करके। अच्छा, बात बताइए कि 5 साल में आपके इस पंचायत में और आपके वार्ड में मुखिया जी ने कितना विकास किया जनरल पे? कोई काम नहीं किया जनरल पे। कोई विकास? अच्छा, इंदिरा आवास मिला है? कोई चीज नहीं। राशन कार्ड है? राशन कार्ड तो हम लोग अपना खुद बना है। खुद बना है। अच्छा, ये बात बताइए, जो मनरेगा के तहत काम मिलता कोई है? काम नहीं किया 5 साल के अंदर में हम लोग का। कोई काम नहीं हुआ इस मनरेगा तो? कोई काम नहीं किया। इनको भी अपने मुखिया का नाम नहीं पता, पड़ोसियों से पूछ रहे जो आसपास का स्थल। अब हम एक बाबा है यहाँ पे बैठे, उनसे पूछते हैं। जी, आपका पहले नाम बताइए। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब, एक चीज बताइए, कितने नंबर वार्ड के निवासी हैं आप? 6 नंबर। 6 नंबर वार्ड में जनरल की योजना की क्या अवस्था है? पानी आ रहा है घर पे? जी ना। कब लगा था? तो बहुत रोज से है, मगर वो चालू कहाँ हुआ? चालू नहीं हुआ जी ना। मुखिया जी को शिकायत की है? ना, हम लोग का करें, सुन भी नहीं करता था मुखिया जी को। का शिकायत? क्यों शिकायत क्यों नहीं किया मुखिया जी को? क्या करें। अच्छा, आपको पेंशन मिल रहा है? आपको पेंशन मिल रहा है? मुखिया जी ने कोई सहयोग किया था पेंशन योजना में? पेंशन में तो हम लोग को सब्बानी किया। सब्बानी कौन है? सब्बानी? सब्बानी पहले थे समिति। अच्छा, समिति में थे। हाँ, क्या वो खड़े हो रहे क्या मुखिया के चुनाव में? मुखिया के चुनाव में तो खड़े होंगे। अच्छा, खड़े होंगे जी। अगर वो खड़े हो रहे हैं तो क्या पंचायत पूरी तरीके से उनके सहयोग करेंगे जिताने में? हाँ, हम लोग तो जोर लगाए हुए हैं। अच्छा, जोर लगाए हुए हैं जी। आप किस वार्ड के निवासी हैं? हम 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड। आपके मुखिया का नाम क्या है? मुखिया का नाम है तासाना। अच्छा, तासाना। उन्होंने अपने 5 साल में तमाम वार्डों में किस तरह का विकास किया? विकास तो भूल ही जाइए। अच्छा, ये लालू का सरकार था, उस दौर का याद कीजिए, अभी का दौर का याद कीजिए बराबर है। अच्छा, इसकी क्योंकि यहाँ का मुखिया जो है विकास जो है विकास कुछ किया नहीं, क्योंकि मुखिया का जो पद होता है कुछ ज्ञानी आदमी के लिए होता है। अब वैज्ञानिक आदमी अगर मुखिया बन जाए तो क्या विकास करेगा? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि सड़क के लिए, नल जल पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसी क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया? क्षेत्र में कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। अगर 10 नंबर का वो चार्ट बनाया जाए तो उसमें से आप कितना नंबर दीजिएगा अपने मुखिया को? 10 में से 11 देंगे। 10 में से 11 देंगे? क्यों? 11 इसलिए देंगे कि 10 से तो लिस्ट से उसका नाम गायब है। अच्छा, 10 नंबर तक हम भी लोग हैं। 11 में उसको जोड़ेंगे कि आप 11 पे रहिए, 1 में मोहम्मद सबानी ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर पे? हाँ, उसका नंबर वाइज सिस्टम है। नहीं, हम चाहते हैं उनके विकास के कार्य में, अगर 10 नंबर का रखेंगे विकास का कार्य, उन्होंने 5 साल में कितना काम किया था, 10 नंबर में से कितना दीजिए? तो कहे ना, हम 1 जोड़ देंगे, 11 देंगे। अच्छा, 11 दीजिए। 11 देंगे। बड़ी अच्छी बात कही कि उनको 11वां नंबर देंगे, लेकिन जिन्होंने कार्य किया वास्तविकता में उनको 1 नंबर पे रखे। जी चलिए, ये है हम जो समाज। हमने सहबाजपुर के वार्ड नंबर 6 में जो सिसो गुमती के पास है, यहाँ के लोगों से जाना कि वर्तमान मुखिया ने क्या किया और जो मुखिया पद पे नहीं है उन्होंने क्या किया। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि मुखिया जी के पास जाने की, लेकिन उससे पहले हम जा चुके हैं और उन्होंने एक साफ सुथरे अल्फाजों में क्या कि वो नहीं खड़े हो रहे। आप लोग को जो सर्वे मिला है वो आप चलाइए और मेरी तरफ से इजाजत, क्योंकि मैं इस बार खड़ा नहीं हूं। साफ सुथरे अल्फाज में उन्होंने कह दिया। अब हम चलते हैं उस प्रत्याशी के पास
जिन्होंने बगैर पद का अपने पूरे पंचायत का विकास में लोगों की हर तरह से मदद की। ये सबानी जी हमें ये समझाइए कि पूर्व में भी आपने चुनाव लड़ा, उसमें बहुत कमी वोट से आप पीछे रह गए, इस बार फिर आप चुनाव में उतर रहे हैं, चुनाव में उतरने का उद्देश्य क्या है आपको, किन मुद्दों के जाएंगे चुनाव में आप? देखिए, सबसे पहले मैं गांव में प्रैक्टिस करता था, लोगों ने देखा कि गांव में बहुत मतलब सारे काम जो है, जो समाज का जो सबसे निचला पंक्ति है और जो समाज के जो सबसे नीचे दबे कुचले लोग, उनका काम नहीं हो रहा है। लोगों ने सबसे पहले मौका हमको 2006 में पंचायत समिति के रूप में दिया और मैं निर्वाचित हुआ। उस वक्त से मैं लोगों की सेवा में कर रहा हूँ और जहाँ तक हमसे हो पाता कर रहा हूँ, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे वृद्धा पेंशन के मामले में हो, उस वक्त तो इंदिरा आवास चलता था उसके मामले में हो, चाहे प्रधानमंत्री के आवास के नाम पर हो, मैंने लोगों का काम किया और अब तक 20 साल से लोगों का काम कर रहे हैं। और उसके बाद 2006 से लेकर 2011 तक मैं पंचायत समिति रहा, दूसरी बार भी लोगों ने हम पे विश्वास जताया और मैं दूसरी बार भी निर्वाचित हुआ। जो 11 से जो मेरा कार्यकाल था 2016 तक, लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, पंचायत समिति एक सीमित दायरा है, जो क्षेत्र संख्या मेरा 6 था पहले, जो वार्ड नंबर 1 से वार्ड संख्या 8 तक उसका क्षेत्र था। पहले मैंने सोचा कि दायरा बढ़ाते हैं तो मैं ग्राम पंचायत चुनाव, मेरी पत्नी जो सरकार के निर्देशानुसार सीट आरक्षित हो गया तो मेरी पत्नी समा परवीन चुनाव लड़ी और मात्र 37 वोट से चुनाव वो हार गए। लोगों को ये समझ में नहीं आया, लोगों को ये भी समझ में आया कि शायद सब्बानी काम कर दिया है तो आप दूसरे से मैं काम करवा लूँगा। ठीक है, अच्छी बात है, किसी दूसरे को मौका मिला, अच्छी बातें मिला, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो खड़े उतरे इस पर। ठीक है, या उस मुखिया का जो पद संवैधानिक पद होता है उसको कैसे चलाना है ये नहीं कर पाए और किस तरह से विकास होता नहीं कर पाए। लेकिन तब भी लोगों ने कहा, हम कुछ बीच में मायूस हो गए कि तो काम करके क्या फ़ायदा। आप ग्राम पंचायत सहवाजपुर में देख लीजिए, जितनी भी सड़क बनी हुई है यहाँ पे इतने लोग, बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि या मैं झूठ बोलता हूँ या सच बोलता हूँ, जितनी भी सड़क बनी है उसमें मेरा योगदान है, क्योंकि मैं आगे जुड़ा हुआ हूँ किसी विधायक से या किसी एमपी से जुड़ा रहता हूँ कि मेरे गांव का विकास हो, मेरे गांव में कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे गांव में जब मैयत होती थी या कहीं किसी को जाना होता था तो खाट पे लेके जाता था, ये सड़क है स्टेशन के उस पार, जा नहीं पाता था, सबसे पहले वो सड़क हमने बनवाया। किसी के, मैं तो बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ या बहुत बड़ा मतलब के पद पर नहीं हूँ, लेकिन किसी के सहयोग से मैंने सड़क लाई। सड़क लाने के बाद फिर भलका टू हवाई अड्डा प्रधानमंत्री सड़क मैंने अनुशंसा करवाया, विधायक से अनुशंसा करवाया, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री सड़क जो आपको स्टेशन से अनवार साहब के घर तक बनी है वो उसमें मैंने बनवाया। जो भी सड़क, और किसी को हॉस्पिटल का मामला हो, किसी को ले जाना हो, ये सब भी मैंने काम किया। प्रश्न ये उठता है सबानी जी कि मुखिया के द्वारा भी सड़क निर्माण होता है जी, तो हमें ये समझाइए कि मुखिया जी ने अपने स्तर से सड़क का कितना निर्माण किया? कुछ निर्माण जो उनको पर्सनल जो फंड आता है उनका जी, जो बिहार सरकार देती है मुखिया को फंड, जैसे 15वां वित्त हुआ, 14वां वित्त, पंचम, उसमें कुछ कार्य उन्होंने करवाया है। ठीक है, वो कार्य किस प्रकार हुई धरातल पर? ठीक है, ये तो मतलब के अपना उनका अपना विषय है, मैं किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को मतलब के विरोध नहीं करना चाहता हूँ, ये तो जनता को फैसला करना है कि हमको क्या करना। नहीं, मैं विरोध नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि काम सही रूप से धरातल पर हुआ या नहीं, सत्य बोलने में आँच नहीं लगे किसी के। हम इस पे नहीं जाते हैं कि कौन क्या करता है सर। चलिए, मैं विकास के मुद्दे पे आता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट जी, वो नजल योजना है जी। मैंने, हमारी टीम ने सर्वे भी किया है, मब्बी के आस जो गाँव है वहाँ, वहाँ के लोगों का कहना है कि 10 दिन पहले लगता है टंकी, 10 दिन बाद गिर जाता है। क्या आपके गांव में, जिस गांव में बैठा हूँ, पंचायत तो वो भी आपकी है, जिस गांव में मैं हैं, हम लोग हैं, इस गांव में उस योजना की क्या हालात है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल नल योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इनको उन्होंने बहुत अच्छे से सोचा और विचार करके धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था की कमी है, शायद एक कहीं ना कहीं पर गलती हुई है, जो ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर जो वार्ड सदस्यों को दिया गया, हमको लगता है कि यह योजना वार्ड सदस्य होते उसमें, लेकिन अगर
सरकार की जो पर्सनल मतलब की भूमिका होती है कि उसको हमको कैसे कराना है, इसका क्रियान्वयन कैसे होना है, वो हमको लगता है कि नहीं कर पाए। लेकिन अगर देखिए लोग इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्मी का जब समय आता है, जब चापाकल सूख जाता है, तो उस वक्त सरकार को लोग गाली देते हैं कि पानी की कमी है। आपने देखा होगा शहर में वो हाल पंचायत में भी होने जा रहा है, जो जिसका पानी का जो लेयर नीचे चला गया, आपको जल नल योजना की ज़रूरत पड़ेगी ही, आप देख लीजिएगा पड़ेगी, लेकिन उसको सुचारू रूप से धरातल पर कैसे उतरेगा उस प्रशासन को सोचना है। ये समझाइए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भविष्यवाणी समझ करके इस योजना को लाए हैं। जी एकदम सही है। और पानी की जो किल्लत होती है मई जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में, ये बहुत मतलब के लोग मतलब सोचनीय विषय है। तो एक चीज़ बताइए, आपके पंचायत के तमाम वार्डों में जल नल योजना का वास्तविक स्तर आपको क्या लग रहा है? पहले से गति बढ़ा है, पहले से जब प्रशासनिक अभी जो दबाव पड़ा है वार्ड सदस्य, कितनी जगह तो FIR हो रही है, आप भी देखे होंगे, आप तो मीडिया के लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि FIR हो रहा है। जब देखिए, हम एक बात बताएं, जब मिश्री लाल यादव जी है सत्ता में भी हैं, विधायक हैं, जब उनके लड़का पर FIR हो सकता है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, जितने भी जल नल योजना के अध्यक्ष या वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव है, हम उनसे गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि वो कम से कम अपने वार्ड में जो जल नल योजना है सुचारू रूप से कर दे, जो गरीब की योजना चल सके। मैं सर आता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में और पंचायत की जो हालात है, प्रत्येक किस्त पे जो किस्त मिलता है, पार्ट वाइज 3 किस्त में, उसमें कमीशन मिल लिया जाता है, क्या आपके पंचायत में इसकी हालत यही हालत नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है, देखिए इसमें जो प्रधानमंत्री आवास में जो मुखिया या पंचायत समिति या वार्ड सदस्य को जोड़ते हैं, हम लोग नियम जानते हैं और कानून जानते हैं, यह डायरेक्ट योजना जो है पदाधिकारी द्वारा, या जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी और आवास सहायक को चिन्हित करके देना है। इसमें अगर कोई कहता है या आम पब्लिक भी अगर कहती है कि नहीं, मतलब कि मुखिया या पंचायत समिति या वार्ड सदस्य का कोई भी हस्तक्षेप है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्या आपके पास कभी भी किसी ने शिकायत किया कि मुखिया या वार्ड पार्षद ने लिया है तो आपने? नहीं, इस मर्तबा तो लोगों ने पैसा लिया है प्रधानमंत्री आवास का, लोगों ने घर बनाया है, इसमें सरकार सख्ती जनाएगी। घर तो बनाया है सर, लेकिन पैसा खाता में आने से पहले जनता से ले लिया था 5-10 हज़ार रुपया, क्या आपके यहाँ वो हालत नहीं है? ये तो जनता बताएगी। क्या आपके पास कभी कोई शिकायत है? ऐसी कोई शिकायत नहीं। अच्छा सर, ये बताइए हमें, जब कोरोना काल हुआ, पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ, उसमें सबसे जरूरत का जो निकला कोई केंद्र था, उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसमें डॉक्टरों की आवश्यकता रही, आपके पंचायत में भी उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, उसकी हालात क्या है? उप स्वास्थ्य केंद्र शहबाजपुर में एक सिर्फ मब्बी में है। अच्छा, और एक हमारे यहाँ भी है जो किराए के मकान पे चलते हैं, वहाँ आज तक कोई डॉक्टर या कोई मतलब की नर्स प्रस्तुत नहीं रहती है, केवल टीकाकरण होता है, सिर्फ टीकाकरण या पोलियो अभियान चला तो हो गया बस। अच्छा, कोरोना काल में एक और योजना प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुफ्त देने का कार्य किया कोरोना काल में, और उन्होंने एक और इस पारित किया आदेश, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी आधार कार्ड के आधार पे राशन देना है, ऐसा हुआ क्या? देखिए इतनी बड़ी महामारी में बहुत लोग पार्टी पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, हमको लगता है कि राजनीति को ताक पे रखते हुए अगर सोचे तो जो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं और बिहार की बात करते हैं, जो ये योजना चली 5 kg फ्री पर आदमी, 5 kg फ्री या 5 kg जो मिलता था, ये हमको लगता है कि बहुत लोगों का, गरीबों का जान बचाया है। जी सर, ये बताइए कि नल जल योजना तो लग जाएगी पंचायत में, जैसे आप बता रहे ठीक लग जाएगी, लेकिन वो निकलेगी कैसे? नाला नहीं होगा तो, नाला की क्या स्थिति है? देखिए जल नल में जो पैसा अगर मिल रहा है, जैसे किसी वार्ड में 12,79,000 की एस्टीमेट है, किसी जो में 18,31,000 का है, किसी में अभी जो नया मतलब के एस्टीमेट बना है 21 लाख का है, उसके बावजूद भी उसमें गली नली की मतलब की जो मन की योजना है कि उससे पैसा बचेगा तो बचेगा, और इसमें जनता को भी भागीदारी यह देना होगा कि जो हम पानी गिराते हैं उसका निकास कहीं होना चाहिए। हाँ। ठीक है, हम लोग नाली भी अगर बना देते हैं, या मुखिया के स्तर से हो, या समिति के स्तर से हो, या विधायक जी के स्तर पर, किसी के स्तर पर, लेकिन उसको हम लोग अपने खुद पन्नी से कूड़ा करकट फिर के मतलब के जाम कर देते हैं, तो इसका जिम्मेवार हम लोग खुद भी हैं। कहीं कहीं नाली नहीं बनी है, हम लोग आने वाले चुनाव में अगर हम लोग को मौका ने, जनता ने अगर मौका दिया तो हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सवाल रहा आपका कि फर्स्ट प्राथमिकता हम लोग नाली को देंगे, इसलिए कि आज के दौर में सड़क बन गई,
घर लोग अच्छे अच्छे बना लिए, लेकिन पानी का निकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जब बारिश होती है तो एक अच्छी सड़क अभी गुजर रही है, देखते उस पर भी 2 फीट 1 फीट पानी लगा रहता है। तो नाली का काम होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने बताया कि नाला को जनता भर देती है पन्नी से, कूड़ा कचरा से, यह मैं मान लेता हूँ जी, लेकिन क्या नाला में जो भरा जाता है कचरा, क्या सरकारी स्तर पर रोक नहीं लगा सकता? इस तरह से कोई व्यवस्था ही नहीं है। पंचायत में अभी तक तो सफाई कर्मी, नगर निगम में तो है सफाई कर्मी, क्यों नहीं हो सकता? जब प्रधानमंत्री जी रातों राती वो लॉकडाउन कर सकते हैं, रातों राती नोटबंदी कर सकते हैं, GST ला सकते, ये क्यों नहीं ला सकते हैं? देखिए, ये तो व्यवस्था के ऊपर है, ये तो कैबिनेट फैसला लेगा कि ग्राम स्तर पर पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी बहाली हो। तो कहीं ना कहीं सरकार भी लापरवाही कर रही है। हम मांग करते हैं सरकार से, और खास करके नीतीश कुमार से, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मांग करेंगे कि अभी जो नए वर्ष में चुनाव की जो माने अधिसूचना जारी हुई है और चुनाव होने जा रहा है, मई और अप्रैल के बीच में चुनाव होने हैं, हम कुछ माना के मांग करते हैं कि जो भी निर्वाचित सदस्य आते हैं, लेकिन उनको एक नया तोहफा के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी जरूर बहाली करवाई जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, इस कोरोना काल में लमसम सभी का जॉब खत्म हो चुका था जी, उसके दरमियान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मनरेगा जॉब अपॉर्चुनिटी बनी थी जी, तो क्या आपके पंचायत में मनरेगा के स्तर पर काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, लोगों को मिले, रोजगार मिले हैं। रोजगार मिला है सर? रोजगार कितने मतलब हकीकत जमीनी पर मिला है सर? जैसे कि कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि JCB से ट्रैक्टर से काम करवा दिया गया, लेबर मजदूर के नाम पर पैसा निकलवा लिया गया, ये सब आपके पंचायत में क्या है इसका हकीकत सर बताएं? देखिए, मनरेगा में भी जो है पहले जैसी व्यवस्था अब नहीं है, पहले से व्यवस्था सुधरी है जी। पहले से व्यवस्था सुधरी है कि जब अब मनरेगा के जो नियम है, पहले लोग समझ लें, मनरेगा एक एक्ट है, मनरेगा का मतलब है कि लोगों को रोजगार देना है, इसमें नियम है, लोग भी सुन रहे हैं यहाँ पर जी, अच्छी संख्या में लोग हैं, इसमें नियम है कि अगर कोई बेरोजगार को रोजगार चाहिए तो ब्लॉक स्तर पर प्रोग्राम पदाधिकारी को एक आवेदन लिख के दे सकते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, अगर उसको 12 दिन के अंदर में रोजगार नहीं मिलती है तो प्रोग्राम पदाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब समझना होगा लोगों को। तो ये तो सब सारी चीजें हैं, लेकिन आप जाएंगे पंचायत में, कुछ तो विकास का मुद्दा आपके पास होगा जो लेकर के आप जाएंगे जी, जी। क्योंकि जब चुनाव होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू भी हो जाता है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं जनता से सबसे पहला अपील करूंगा लोगों से कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधि चुने जो आपका काम कर सके। क्या काम कर सके? देखिए, सबसे बड़ी होती है बुनियादी सुविधा। बुनियादी सुविधा में है कि लोगों का पूरी तरह राशन कार्ड बन चुका है कि नहीं, जो मेन चीज़ है, जो लोगों का पेट भरण पोषण हो सके, जो गरीब व्यक्ति हैं उसको आवास का लाभ मिला है कि नहीं है, वृद्धा पेंशन का लाभ मिला कि नहीं मिला। उसके बाद जैसे कि अभी आयुष्मान भारत में जो मतलब के कार्ड बने हैं, बहुत ऐसे लोग हैं अभी भी गांव घर के लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि इसका इलाज मतलब बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में हो रहा है उसके पास राशन कार्ड कार्ड भी है लेकिन इलाज नहीं कराया। एक रोकूंगा सर, आयुष्मान भारत की आपने बात की, आपके पंचायत में आयुष्मान भारत है जी, मब्बी में है जी, उसकी व्यवस्था तो बहुत चौपट है जी, जी। उससे फायदा क्या होगा लोगों को बनाने से कार्ड? देखिए, इसमें व्यवस्था की कमी है मेरे गाँव। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये? है सुनिए ना, है अभी उसमें लागू और धरातल पर उतरने में समय लगेगा, लेकिन बहुत लोग जो जानकार लोग हैं, आज मेरे गांव का मिसाल है, लोग जाके इलाज करवाते हैं, जैसे हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन भी करवाए हैं। लेकिन यहाँ जो सर ये जो बना हुआ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र, इसमें तो पेट दर्द हो तो भी एक दवा, बुखार हो तो भी एक दवा, सर्दी हो तो भी एक दवा, क्योंकि ये आरोप जनता का आरोप है। सारे बात हम एक दवा दी जा रही है वहाँ पे, दिया जा रहा है ना, बात सही है, आपका कहना एकदम सही है, लेकिन उसमें भी जो सीमित इलाज सरकार जो है चयनित कर दिया है, उसमें जैसे कि आपको ऑपरेशन कराना है, सर्जरी का मामला है, तो सर्जरी में आपको सरकार पैसा देगी, सुनिए, सरकार पैसा देगी, जैसे जांच में सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन उसको सरकार पर रखना होगा बात को, कि जब आप 5 लाख एक आदमी को दे रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो उसका समुचित इलाज उसी से हो, चाहे उसमें दवा हो, चाहे उसमें मतलब जाँच हो, चाहे उसमें अल्ट्रासाउंड हो, या मतलब या ऑपरेशन हो, लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है कि इसमें सिर्फ इसका सब मतलब के दे रही है आपको सिर्फ ऑपरेशन का, लेकिन उसमें है क्या, बहुत गरीब महिला को या बहुत गरीब लोगों को जो है इलाज करने जांच का भी पैसा नहीं है। और एक बात ने आप सवाल किया था कि आप चुनाव लड़ेंगे किस मुद्दा पर, चुनाव चुनाव मेरा एक ही मुद्दा होगा, जो समाज का सबसे निचले पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उसको सबसे आगे पंक्ति में ला के खड़ा करना, ये मेरा फर्स्ट प्राथमिकता होगी। अब मैं ग्राम पंचायत राज सहबाजपुर के जनता से
आम मतदाताओं से, भाइयों और बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सोचें और परखें कि हमारा कैंडिडेट कौन अच्छा होगा और हमको किसे वोट देना है। अच्छा समझकर 5 साल जो हमारा विकास कर सके, काम कर सके, आप उसको चुने, न कि जब चुनावी वक्त आवे और उस किसी को कोई 500 रुपया दे दे, 1000 रुपया दे दे और उसको वोट दे दे। ऐसे व्यक्ति को मत चुनना है। आपको जो अच्छा लगे, जो काम करने वाला व्यक्ति हो, जो आपके सामने नज़र आता हो कि हाँ ये काम करने वाला व्यक्ति हो, उसमें कोई जात, कोई धर्म, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम नहीं, जो अच्छा व्यक्ति है आपके नज़र में, आप सब जानते हैं, जनता सब जानती है कि हमको क्या करना है। पैसे पर, लोभ पर नहीं जाना है। जो काम करने वाला व्यक्ति है आप उसको चुने, आपका भी भविष्य उज्जवल होगा और आपके पंचायत का भी भविष्य उज्जवल होगा।